दोस्तों बिना एक भी मिनट वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सबसे पहले बात करने वाले हैं विप्रो लिमिटेड के बाद में। आज संडे का दिन है लेकिन आज के दिन विप्रो लिमिटेड के मैनेजमेंट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया है। विप्रो लिमिटेड का मर्जर होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, और इस न्यूज़ का इम्पैक्ट कल के दिन हमें विप्रो की शेयर प्राइस के ऊपर भी देखने को मिल सकता है। मैं आपको सारी ऑफिशियल न्यूज़ बताऊंगा ताकि आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। विप्रो लिमिटेड जहां पर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें लगभग 3.5 से 4.25% की बड़ी गिरावट देखने को मिली, साथ ही साथ शेयर्स ने अपने 52 वीक के लो को भी अचीव किया, जिस कारण से विप्रो के शेयर होल्डर्स काफी ज्यादा पैनिक लेकर बैठे हुए हैं। लेकिन इसी पैनिक के बीच में विप्रो लिमिटेड की तरफ से एक बहुत बड़ा डिसीजन निकल कर आ रहा है। बिजनेस स्टैंडर्ड ने इस न्यूज़ को कवर किया है और आप इसकी डे टू टाइम को भी कंफर्म कर सकते हैं। आप देख सकते हैं विप्रो लाइटिंग मर्जर्स कमर्शियल लाइटिंग एंड सीटिंग सॉल्यूशन बिजनेसेस। तो यहां पर आप देख सकते हैं विप्रो ने आज ही के दिन, यानी कि आप कंप्लीट न्यूज पढ़ेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं विप्रो लाइटिंग ऑन संडे अनाउंस द क्रिएशन ऑफ अ न्यू बिजनेस यूनिट कंबाइनिंग कमर्शियल लाइटिंग एंड सीटिंग सॉल्यूशंस। द न्यू ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन क्रिएटेड टू एनेबल ग्रेटर सिनर्जीज एंड एक्सेलरेटेड ग्रोथ बाय लिवर्जिंग विप्रो कॉमन डीलरशिप नेटवर्क एज वेल एज सर्विसिंग कस्टमर्स, द कंपनी सेड इन अ स्टेटमेंट। तो काफी पॉजिटिव न्यूज विप्रो के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें आते हुए देखने को मिल रही है और इस न्यूज का इंपैक्ट आपको आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में विप्रो के ऊपर देखने को मिल सकता है। भले ही शेयर्स के अंदर अभी आपको गिरावट देखने को मिल रही है लेकिन यहां पर आप एवरेजिंग कर सकते हैं और इस शेयर्स को अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म पर्पज से होल्ड करते हुए चल सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट शेयर्स के बारे में, जिसका नाम है हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। यहां पर भी लगातार गिरावट बनी हुई है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी हमें इस शेयर के अंदर लगभग 3.5 से 4.25% की बड़ी गिरावट देखने को मिली है। लेकिन हैप्पीएस्ट माइंड के शेयर होल्डर्स के लिए कल का दिन बहुत ज्यादा खास होने वाला है। कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स के लिए फाइनेंशियल रिजल्ट डिक्लेयर किए थे 5 मई के दिन, तब कंपनी ने फाइनल डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट करी थी। कंपनी ने ₹2 पर शेयर्स का फाइनल डिविडेंड अनाउंस किया था, जिसकी एक्स डेट हमें 23 जून 2022 देखने को मिल रही है। यानी कि कल आपके पास मौका है, यदि आप हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप इस शेयर्स के अंदर खरीदारी कर सकते हैं और यहां पर डिविडेंड के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। और अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो 23 जून तक आप अपनी पोजीशंस को अगर होल्ड करते हैं तब जाकर आप यहां पर डिविडेंड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन कंपनी जितना डिविडेंड दे रही है उससे ज्यादा तो कंपनी विद इन 1 डे के अंदर लगभग 10 गुना गिरावट हो जाती है। यानी कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी लगभग ₹33 की गिरावट हमें पर शेयर की प्राइस पर इसके अंदर देखने को मिली है। तो हैप्पीएस्ट माइंड पूरी तरीके से ओवरसोल्ड जोन की कैटेगरी में जा चुका है, जिस कारण से अभी यहां पर फ्रेश पोजिशंस बनाना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। अगर आप IT सेक्टर में फ्रेश पोजिशंस बनाना ही चाहते हैं तो इंफोसिस, TCS जैसे मल्टीवेकर स्टॉक को, ब्लू चिप स्टॉक्स को आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते हुए चल सकते हैं। लेकिन अभी विप्रो, हैप्पीएस्ट माइंड, माइंडट्री जैसे शेयर्स से थोड़ी सी आपको दूरी बनाकर रखना चाहिए, ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आपको बात कर लेते हैं नेक्स्ट शेयर्स के बारे में, जिसका नाम है टाटा मोटर्स लिमिटेड। टाटा मोटर्स के अंदर भी हमें लास्ट ट्रेडिंग वीक में काफी बड़ी गिरावट देखने को मिली। जो शेयर हमें 420-425 रुपए पर ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहा था वो 390 रुपए पर देखने को मिल रहा है, यानी कि काफी अच्छी फॉलिंग यहां पर देखने को मिली है। और इस फॉलिंग के कारण टाटा मोटर्स के अंदर भी जिस भी इन्वेस्टर्स ने खरीदारी कर रखी है उन्हें भी यहां पर काफी ज्यादा लॉस हो रहा है। लेकिन इसी बीच टाटा मोटर्स की तरफ से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव अपडेट्स निकल कर आई है। नेगेटिव अपडेट्स के अगर मैं बात करूं तो चाइना के अंदर जिस प्रकार से लॉकडाउन हमें देखने को मिल रहे हैं उस कारण से टाटा मोटर्स ने क्लियर कर दिया है कि उनके Q1 की JLR की सेल्स के ऊपर अगेन आपको काफी बड़ा इफेक्ट देखने को मिलने वाला है। साथ ही साथ उनकी प्रोडक्शंस भी बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहे हैं। अगर पॉजिटिव न्यूज की बात करें तो यहां पर टाटा मोटर्स ने फोर्ड का जो सनन प्लांट को एक्वायर किया था वो सितंबर मंथ तक यहां पर पूरी तरीके से टाटा मोटर्स टेक ओवर कर लेगी और यहां पर अपना जो बिजनेस है उसे रन करने लग जाएगी। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज टाटा मोटर्स के लिए निकल कर आ रही है। डोमेस्टिक परफॉर्मेंस तो टाटा मोटर्स की काफी अच्छी चल रही है, सबसे ज्यादा दिक्कत तो कंपनी को यहां पर ग्लोबल परफॉर्मेंस के कारण ही हो रही है। तो यहां पर भी अगर आपने खरीदारी कर रखी है तो ब्रोकरेज फर्म तो इस शेयर्स को लेकर अभी भी काफी ज्यादा बुलिश है। लगभग 500 से 550 रुपए के टारगेट यहां पर दिए जा रहे हैं, लेकिन आपको अपना माइंडसेट क्लियर करना है क्या आपको इस शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करना है या फिर नहीं करना है।
अदरवाइज अगर शेयर्स की बात करें तो कंपनी की ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छी लॉस रिकवरी कंपनी ने क्वार्टर फोर के अंदर करी है। और यहाँ पर पर्सनल ओपिनियन है कि आप अपनी पोजीशंस को होल्ड कर सकते हैं, लेकिन आपका व्यू कम से कम 2 साल का होना चाहिए। बात कर लेते हैं नेक्स्ट शेयर्स के बारे में, जिसका नाम है ट्राइडेंट लिमिटेड। जहां पर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी हमें लोअर सर्किट देखने को मिला, इस शेयर के अंदर भी लगातार गिरावट हो रही है। पिछले 6 महीने में शेयर 45% से भी ज्यादा डिक्लाइन हो चुका है। बात करें कि ट्राइडेंट के लिए कल के दिन की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, तो अगर मैं आपको इसके टेक्निकल लेवल्स की तरफ ले जाऊं तो इसका RSI पूरी तरीके से ओवरसोल्ड जोन में, यानी कि इसको ओवरसोल्ड जोन से निकलने के लिए लगभग 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन का टाइम लगेगा। अगर 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन कंटिन्यूसली अपर सर्किट लगते हैं, तब जाकर हमें ये ओवरसोल्ड जोन से बाहर आते हुए देखने को मिलेगा। वहीं अगर मनी फ्लो इंडेक्स की भी बात करें तो वो भी पूरी तरीके से ओवरसोल्ड जोन में है। तो यहां पर फ्रेश पोजीशंस तो अभी आपको बिल्कुल भी बनानी ही नहीं है, ऑलरेडी पोजीशंस बनाकर बैठे हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यदि आपकी खरीदारी 15-20 रुपए पर है तो आप यहां पर 50% प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं या फिर अपनी कैपिटल को विड्रॉ कर सकते हैं। रिमेनिंग प्रॉफिट को आप यहां पर कैरी करते हुए चल सकते हैं। लेकिन अगर आप लॉस में हैं तो ये शेयर लॉस में स्क्योर ऑफ करने वाला बिल्कुल भी नहीं है। आप यहां पर पोजीशंस को होल्ड करिए, आपके लॉस के रिकवर होने के चांसेस हैं, लेकिन यहां पर टाइम लग सकता है। चलिए बात कर लेते हैं कि स्मॉल कैप कंपनी के बारे में, जिसका मार्केट कैप ही सिर्फ 125 करोड़ रुपए का है। कंपनी फाइनेंस प्रोवाइड करती है, यानी कि लोन देती है, किस पर? व्हीकल्स लोन्स देती है और साथ ही साथ प्रॉपर्टी के ऊपर भी कंपनी लोन देती है। कंपनी का नाम है बेड लीजिंग एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। मात्र 40 रुपए का शेयर, जहां पर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में तो भले ही 5% का लोअर सर्किट देखने को मिल रहा है, लेकिन पिछले 1 साल में कंपनी ने 350% से भी ज्यादा के रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दिए हैं। यही 40 रुपए का शेयर प्रॉफिट की बात करें तो 3,53,00,000 रुपए का प्रॉफिट भी कंपनी ने बनाया है। और साथ ही साथ कंपनी के ऊपर 150 करोड़ से भी ज्यादा का कर्ज है। तो यहां पर पोजिशन अगर आपने बना रखी है तो शेयर हाईली रिस्की है। साथ ही साथ यहां पर प्रमोटर्स की होल्डिंग भी सिर्फ 21% की है। तो अगर यहां पर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ही यहां पर डिसीजन लीजिएगा। अदरवाइज यहां पर जो इंपोर्टेंट कॉर्पोरेट एक्शन है वो यही है कि कंपनी ने जो बोनस शेयर अनाउंस किया है 1:1 के रेशो का, वो कल से हमें इंप्लीमेंट होते हुए देखने को मिलेगा। यानी कि यही 40 रुपए का शेयर कल से हमें 20 रुपए पर देखने को मिलेगा। तो यहां पर अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं तो आप अपना खुद का डिसीजन लेके पर्सनल एनालिसिस करके आप यहां पर फाइनल डिसीजन ले सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करके हमें इनकरेज करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई क्यूरी है, आपकी कोई क्वेश्चन है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहां से आपको कल मार्केट के ओपन होने के पहले प्राइस एक्शन स्टॉक्स बताए जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।